आजकल देश एक बड़े कारोबारी को लेकर चर्चा में है। एक विदेशी रिपोर्ट आई जिसने देश के एक प्रतिष्ठित कारोबारी गौतम अडानी को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और पेश किया नमूना किस तरह आज भी विदेशी मानसिकता इस देश के लिबरल गैंग पर हावी है। लिबरल गैंग ने अपने एजेंडे के तहत उस बिजनेसमैन को घेरना शुरू किया जिसका फाउंडेशन इस देश के कमजोर वर्ग के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पूरे खेल में विपक्ष ने भी अपना एजेंडा खोज लिया और उस व्यापारी के सहारे मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने एक व्यवस्थित तरीके से अपने कारोबारी मित्र को सहायता पहुंचाई, जिस कारण लाखों निवेशकों और सरकारी संस्थानों का पैसा डूबने की कगार पर है। विपक्ष ने एक विदेशी रिपोर्ट को आधार बनाकर देश के बड़े कारोबारी पर जेपीसी द्वारा जांच कराने की मांग कर दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संसद में जवाब दे। जरा सोचिए कि इस देश की विडंबना ये है कि एक व्यापारी निवेश और रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री खुद जवाब दे। क्या कांग्रेस सरकार में मेहता स्कैम के दौरान तब के प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राव साहब ने सफाई दी थी? उन पर तो साफ तौर पर प्रेस वार्ता कर घूस लेने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन विदेशी रिपोर्ट के बहाने लोग देश के बिजनेस पर्सन पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि अभी हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अडानी की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने राजस्थान में भी अडानी के काफी इवेंट किए थे। ऐसे में राहुल गांधी को क्या गहलोत से सवाल पूछने की हिम्मत है? वही गौतम अडानी जिन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सबसे पहला ब्रेक राजीव गांधी सरकार ने दिया था, जिन्होंने खुद कहा कि उनका प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस और उनके युवराज राहुल गांधी हमेशा से एक अधीर व्यक्ति की तरह इस फैक्ट को दरकिनार कर अडानी और मोदी पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन अडानी अभी जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में उनके ट्रांसमिशन ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को अक्टूबर से दिसंबर तक 474.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये एक साल पहले 267 करोड़ रुपए के मुकाबले 77.8% ज्यादा है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के दौर में भारत के व्यापारी भी भारत में निवेश करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मोदी के दौर में भारत ही नहीं विदेशी निवेशक भी भारत में खास रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और विपक्षी नेता निवेशकों को टारगेट करते हैं तो उसका नुकसान देश के लोगों को ही होगा। आज दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर देख रहे हैं। एप्पल की कंपनी से लेकर दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगा रही हैं। ऐसे में अगर विपक्ष देश के बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करेगा तो क्या विदेश निवेशकों में गलत संदेश नहीं जाएगा? अगर निवेशक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा? सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है ना? ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए और मोदी विरोध के अपने एजेंडे को छोड़कर इन मुद्दों पर सरकार का साथ देना चाहिए, तभी तो जनता के बीच सही संदेश जाएगा कि विपक्ष भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं विपक्ष अडानी वाले मसले पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब विपक्ष के तेवर नर्म नजर आ रहे हैं। कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अडानी के मसले पर हंगामा कर रहे विपक्ष के तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी और एचईएल मुद्दे पर 15 विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि केसीआर की बीआरएस ने तय किया है कि हमारा विरोध अडानी मसले पर जेपीसी के गठन होने तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि सदन की शुरुआत से पहले विपक्ष की मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस समेत कुल 15 विपक्षी दलों ने संसद में चर्चा की बात को मान लिया। इन दलों का कहना है कि हम सदन में बहस में शामिल होंगे और अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करेंगे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जेपीसी गठित नहीं करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में भी जांच कराई जा सकती है।
आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा डीएमके, एनसीपी, सीपीआई, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत कई दलों ने संसद चलने पर सहमति जताई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस विपक्षी एकता से अलग ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी अडानी के मसले पर अब भी प्रदर्शन करने की बात कह रही है, वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी अब अलग ही राग अलाप रही है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा कहना है कि हम चर्चा करेंगे और आप हमारी न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करें। आप नर्वस क्यों हैं? इसमें गलत क्या है? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वे चर्चा से भाग रहे हैं। खड़गे ने कहा कि सदन के स्थगन में हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से मुद्दे उठाए जाने से पहले ही सदन स्थगित हो जाता है, हमारे नोटिस की चर्चा तक नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि सदन में कामकाज की स्थिति नहीं है। वो झूठ बोलते हैं कि हम हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। दरअसल बात ऐसी है कि अब विपक्ष में आपसी दरार नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई है तो वहीं आम आदमी पार्टी खुद अपने कर्म कांडों में फंसती नजर आ रही है। तो बीजेपी के सामने कोई भी मजबूत विपक्ष नजर नहीं आ रहा है और इसी को लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अडानी मामले पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद विपक्ष को लग रहा है जैसे उसके हाथ मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर बवाल काट रहा है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता अडानी मामले पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट आ गया है। जहां एक तरफ गौतम अडानी अब बाजी पलटते हुए दिख रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ विपक्ष आपस में भिड़ गया है। अब अडानी मामले पर विपक्षी पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस ने संसद नहीं चलने देने का ठीकरा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर फोड़ दिया है। मतलब मोदी सरकार को घेरते घेरते विपक्ष अब एक दूसरे के खिलाफ ही हो गया है। हालांकि अडानी समूह के लिए अब राहत भरी खबर आई है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को भारी नुकसान हुआ था और अडानी के शेयर धराशाही हो गए थे। इस रिपोर्ट के कारण अडानी के मार्केट कैप को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ था। फिर अडानी के नुकसान के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुट गए थे और बात जेपीसी से जांच कराने तक पहुंच गई थी। तभी इस बीच अडानी ने ऐसी चाल चली कि पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल लगातार 8वें कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद अडानी के शेयरों ने मंगलवार को जबरदस्त कमबैक किया। अडानी ग्रुप के शेयर में स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। अब अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 25% की तेजी के साथ तेजी से आगे बढ़े। अडानी के लगभग सभी शेयर्स रॉकेट के रफ्तार से चढ़ रहे हैं। अडानी के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में मंगलवार को बम्पर उछाल दर्ज हुआ। बता दें कि शेयर में तेजी अडानी ग्रुप के एक बयान के बाद आई है जिसमें अडानी ग्रुप ने कहा था कि वो शेयर गिरवी रख कर लिए गए लोन को समय से पहले ही चुका रही है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 22वें स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन मंगलवार को जबरदस्त वापसी करते हुए वो 17वें स्थान पर आ गए हैं। दरअसल लोन रिपेमेंट का फैसला करके अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। जो निवेशक अडानी पर भारी कर्ज और संपत्ति में गिरावट के कारण चिंता में थे, उनकी चिंताएं इस घोषणा से कम हुई है। निवेशकों की चिंताओं को शांत करके अडानी समूह ने निवेशकों के विश्वास को जीत लिया है। वहीं जिन बैंकों ने अडानी को लोन दिया है उन्होंने भी कंपनी पर भरोसा दिखाया है। SBI, एक्सिस, PNB जैसे बड़े बैंकों ने कहा कि अडानी ग्रुप में कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है। अडानी के इस चाल से जहां उनके शेयर्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं, वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।